डाउट्स वगैरह हो, मैं से कुछ निकली का बता रहा हूँ। ऐसे की तो हो जाती है खुद ब खुद, इतना पढ़ते हैं एक साल में जीएस वगैरह, और ऐसे के जो टॉपिक्स वगैरह आते हैं बहुत जनरल टाइप के आते हैं, तो उसके लिए अलग से तैयारी करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मतलब मैंने तो नहीं की थी। बाकी ज्यादा चाहो तो महीने में जैसे एक दो ऐसे भी दिए हैं, 15 दिन में 20 दिन में भी दिए हैं, ऐसे वो कर सकते हो। पर कोर्ट के लिए भी ऐसे मतलब एसएस नहीं है ज्यादा तैयारी की, मतलब क्योंकि केस स्टडी आती है तो उनको वहीं पे सॉल्व करनी है, बाकी जो थ्योरी पार्ट आता है वो मतलब इतना टफ नहीं आता है। ये चीज कर सकते हो, जैसे कोटेशन वगैरह याद कर लो, गांधी जी ने जो बोला है, विवेकानंद ने जो बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर में उनको यूज कर सकते हो। गांधी जी की जैसे 15-20 कोटेशन याद कर लो, यदि आंसर लग रहा है कि हाँ इसके रिलेटेड है तो उसको यूज कर सकते हो। यही अपनी मतलब ग्रुप बना के पढ़ो, जैसे 3-4 लोगों का ग्रुप बना दिया, अकेले आइसोलेटेड वे में पढ़ते तो मतलब ज्यादा टेंशन वगैरह रहती है, अपने 4-5 लोगों का ग्रुप बना दिया साथ में पढ़ो। आपने भी सर ग्रुप बनाया? हाँ सर, ऑप्शनल अगर पॉलिटिकल साइंस और नेचुरल साइंस अगर जैसे केमिस्ट्री में आप, तो सर स्कोरिंग के लिए क्या बेटर रहेगा? देखो दोनों में ही स्कोर आता है, उसमें भी आता है ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब, और साइंस वाले में भी आता है। साइंस का बस ये सिलेबस थोड़ा ज्यादा लेंथी रहता है, तैयार करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बाकी नंबर तो दोनों में ही आते हैं, तो अपने हिसाब से कुछ कर लो तो अच्छा लगेगा। सर आप IIT PhD से, वैसे आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन वगैरह के लिए आप IIT करना है एसेंशियल, मतलब ये कि आपके रैंक के लिए वो बेनिफिट आपको देगा? नहीं, कुछ नहीं रहता बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं। आर्ट्स तो तुम देखो टॉप 10 में आर्ट्स के भी काफी स्टूडेंट रहते हैं, टॉप 50 में आर्ट्स के भी लोग रहते हैं, वो तो IIT करने का ही रहता है, थोड़ा जॉब सिक्योरिटी रहती है, इंजीनियर होने के बाद जॉब को कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ये रहता है उसका। बाकी ऐसा जैसा कोई एडवांटेज नहीं है कि IIT होने से ही सिलेक्शन हो गया। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, जैसे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ा, जैसे साइट ऑन इंडिया करके साइट है, साइट ऑन इंडिया, उस पे डेली के 8-10 क्वेश्चन आते हैं अपने सिक्योर करके प्लेटफॉर्म का, साइट ऑन इंडिया का सिक्योर, तो 8-10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से डेली 2 क्वेश्चन के क्लियर, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ज्वाइन कर लो, उसमें प्रैक्टिस कर लो अपनी, जितना ज़्यादा लिखोगे मतलब मेनली वो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, 3 घंटे में पेपर पूरा होगा। ज्यादा बुक पढ़ने का तो मतलब है नहीं, बाकी जो बेसिक बुक है अपनी एनसीईआरटी वगैरह वो पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी हो गई 11th और 12th की, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए हो गई 6th-12th एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब एनसीईआरटी तो पढ़नी है, मेनली एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्यादा बुक